कहानी है जिन का जादुई लूडो। लालच को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इस बात को साबित करती है हीरापुर गांव की ये कहानी। गांव में अवनी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। अवनी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद अवनी अपनी चाची के साथ रहने लगी। कमला अवनी से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी और दिन भर काम करवाती रहती थी। अवनी को लूडो खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए एक दिन वो पड़ोस के बच्चों के साथ लूडो खेलने बैठ गई। तभी कमला चिल्लाते हुए वहाँ आई। काम चोर कहीं की यहाँ बैठी लूडो खेल रही है, काम कौन तेरी माँ आकर करेगी क्या? चाची आप माँ के बारे में कुछ मत कहिए। माँ की इतनी ही पड़ी है तो चली क्यों नहीं गई उनके साथ? चल चुपचाप काम कर, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। सारे काम समाप्त करके अवनी घर से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। हे भगवान, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? क्यों आपने माँ को मुझसे छीन लिया? उसी पेड़ पर बैठा एक जिन्न अवनी की सारी बातें सुन रहा था। जिन्न को अवनी पर दया आ जाती है और उसके सामने वो प्रकट हो जाता है। अवनी दुखी मत हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह लूडो खेलना बहुत पसंद है। ऐसा कहकर जिन ने हाथ घुमाया और एक लूडो प्रकट हुआ। ये लो लूडो, ये लूडो सामने रखकर जब भी तुम ये मंत्र पढ़ोगी, अच्छे को इनाम, बुरे को होगी जेल। आओ जिन, शुरू करे लूडो का खेल। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और मेरे साथ लूडो खेलने का इनाम भी मिलेगा। ऐसा कहकर जिन गायब हो जाता है। अवनी लूडो को घर ले जाती है और रात में जब सब सो जाते हैं तो वो लूडो को सामने रखकर मंत्र पढ़ती है। अच्छे को इनाम, बुरे को होगी जेल। आओ जिन, शुरू करे लूडो का खेल। तभी जिन प्रकट हो जाता है और दोनों लूडो खेलने लग जाते हैं। अरे वाह, लूडो खेलने में तो बहुत मजा आया, चलो एक और खेल खेलते हैं। नहीं नहीं, मुझे घर के काम करने हैं। जिन्न के लूडो का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बात, और जिन्न ने पलक झपकते ही सारा काम निपटा दिया। फिर जिन्न ने अवनी से इनाम मांगने को कहा। मेरे जूते फट गए हैं, तुम बस नए जूते ला दो। अरे इस हुक्म की तो तालीम होगी। हाय, और तभी जूते प्रकट हो जाते हैं। अब हर रोज जिन लूडो खेलने के बदले अवनी के सारे काम चुटकियों में कर देता और उसे नए नए इनाम देता। ये सब कमला को अजीब लगने लगा और एक दिन कमला ने देखा कि अवनी ने तो नए सैंडल पहने हैं। क्या बात है, आजकल ये मनहूस बड़ी खुश रहती है और सारे काम भी इतने जल्दी पूरे कर लेती है, और अब ये नए सैंडल, कुछ तो बात जरूर है। और उसने अवनी पर हर वक्त नजर रखना शुरू कर दिया। तभी उसे अवनी के पास रखे लूडो का पता चला। अच्छा तो ये माजरा है, अब मैं भी लूडो खेलूंगी और सेठानी बन जाऊंगी। और वो लूडो को चुरा लेती है। कमला ने लूडो को सामने रखकर मंत्र पढ़ा तो जिन्न प्रकट हुआ और दोनों लूडो खेलने लगे। और लूडो खत्म होने के बाद जिन्न ने कमला से कुछ मांगने को कहा। अरे मुझे तो लूडो का खेल ही चाहिए, बताओ कमला तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नौ लखा हार चाहिए। जिन्न ने जादू से नौ लखा हार दे दिया।
नौलखा हार, वाह कितना खूबसूरत है, मन करता है दिन भर इसे पहन कर ही रखूं। कमला हर रोज कीमती गहने मांगती थी, लेकिन कमला का लालच और बढ़ने लगा। वो एक बार में बहुत सारा धन चाहती थी। अगली बार उसने जिन्न से कहा कि लूडो खेलने के बदले में मैं इतना सोना चाहती हूँ कि मैं हमेशा सोने से घिरी रहूं। अरे हुक्म की तो तालीम होगी, हाँ। और जिन्न के हाथ घुमाते ही कमला एक बड़े सोने के पिंजरे में कैद हो गई। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे कैद क्यों कर रहे हो? अच्छे को इनाम और बुरे को होगी जेल। अब तुम हमेशा सोने से घिरी रहोगी, लालची औरत। तभी अवनी वहाँ आ जाती है। नहीं जिनी, ऐसा मत करो, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अवनी की दिलेरी देख कमला की आंखें भर आती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब जिन कमला को आजाद कर देता है। अब अवनी और कमला दोनों खुशी खुशी रहने लगती है।